मॉल में लक्ष्मी के सामने आ गई ऋषि मलिष्का के रिश्ते की असली सच्चाई और ऋषि के पापा वीरेंद्र मलिष्का को ऋषि से दूर रहने के लिए देंगे वार्निंग, जिसे सुनकर हिल जाएगी मलिष्का और ऋषि लाएगा उसके और मलिष्का के रिश्ते की असली सच्चाई लक्ष्मी के सामने। लेकिन लक्ष्मी इग्नोर करेगी ऋषि को और हो जाएगी लक्ष्मी ऋषि से दूर। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी मॉल में ऋषि को देखने के बाद मलिष्का को देखेगी और देखेगी कि मलिष्का ने उसी के पसंद किए हुए शादी का जोड़ा पहना है, तब लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा। लेकिन जब लक्ष्मी मलिष्का से पूछेगी कि यही तो शादी का जोड़ा मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था, दुकान के स्टाफ मधु को कैसे पता चल गया कि तुम्हारी शादी है और उसने तुम्हें कैसे दे दिया, तब यह सुनकर मलिष्का कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन मॉल में काम करने वाली मधु तभी लक्ष्मी मलिष्का के सामने आकर कहेगी कि मलिष्का के हस्बैंड ने ही कहा था और ये जोड़ा उन्हीं की पसंद है। यह सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी को एहसास हो जाएगा कि ये मॉल में काम करने वाली जिसकी बात करी है वो और किसी की नहीं बल्कि ऋषि की बात करी है। इसी वजह से लक्ष्मी मलिष्का से सवाल करेगी कि ये किसकी बात करी है, तब मलिष्का बात बदलती हुई कहेगी कि इन्हें गलतफहमी हुई है, जिसने मेरे लिए ये चूज किया वो मेरे पति नहीं है बल्कि वो लक्ष्मी के पति ऋषि है और मेरे करीबी दोस्त है। यह सुनकर जब मॉल में काम करने वाली मधु मलिष्का को कहने के लिए जा रही होगी कि आपने तो कहा था कि वो आपके पति है, तभी मलिष्का ये कहने से पहले मधु को चुप करवा देगी और जाने के लिए कह देगी। लेकिन लक्ष्मी को अब मलिष्का और ऋषि के बारे में धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जब लक्ष्मी शॉपिंग करके जा रही होगी और ऋषि से जाते वक्त आखिरी बार मिलेगी कि लोगों को एक जन्म का प्यार नहीं मिलता, वही मुझे तो जन्म जन्मों का प्यार मिल गया है, तब यह सुनकर ऋषि को काफी ज्यादा अजीब लगेगा। लेकिन जब लक्ष्मी मॉल से चली जाएगी और जाते वक्त मलिष्का को ऋषि के पास आते हुए देखेगी, तभी लक्ष्मी को 100% पूरा शक हो जाएगा, जिस वजह से लक्ष्मी की जन्म जन्मों की बातों की वजह से ऋषि मलिष्का के साथ घर पर परेशान होकर जाएगा और अपने कमरे में जाने से पहले ऋषि अपने मन ही मन पछताते हुए फैसला कर लेगा कि अब मुझसे रहा नहीं जाता, इसीलिए आज मैं लक्ष्मी के सामने किसी भी हर हालत में अपनी सच्चाई बता दूंगा, चाहे जो हो वो। और लेकिन इससे पहले जब लक्ष्मी मॉल से खरीदी कर जब परेशान होकर आएगी और ऋषि के पापा वीरेंद्र लक्ष्मी को परेशान होते हुए देखेंगे और पूछेंगे कि बेटा लक्ष्मी क्या हुआ है, मुझे अपनी परेशानी बताओ, कुछ हुआ है क्या, तब लक्ष्मी पहली बार ऋषि और मलिष्का के बारे में ऋषि के पापा को बताएगी और कहेगी कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मलिष्का और ऋषि के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर है, और आप ये मत समझिएगा कि मैं ऋषि पर शक कर रही हूँ, लेकिन मैंने मलिष्का और ऋषि को कई बार एक साथ देखा है और आज जो मैंने मॉल में देखा उसके बाद मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। यह सुनकर ऋषि के पापा वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और लक्ष्मी से वादा करते हुए कह देंगे कि पुत्र तुम टेंशन ना लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यह लक्ष्मी को कहकर ऋषि के पापा सीधे मलिष्का के पास जाएंगे और मलिष्का के पास जाकर ऋषि के पापा वार्निंग देकर कह देंगे कि अब तुम ऋषि के करीब कभी मत आना, क्योंकि लक्ष्मी ने आज मॉल में जो देखा है उसके बाद तुम पर और ऋषि पर लक्ष्मी को शक हो गया है और उसे कन्फर्म पता चल गया है कि तुम दोनों के बीच में क्या है, और वार्निंग देकर कहेंगे कि अगर तुम बीच में आई तो तीन लोगों की जिंदगियां बर्बाद होगी। यह सब सुनकर मलिष्का के होश उड़ जाएंगे और लेकिन जब ऋषि अपने कमरे में लक्ष्मी को सारी सच्चाई बताने के लिए जा रहा होगा और कहेगा कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ और मैं एक अच्छा और भरोसेमंद पति नहीं हूँ, तब यह सुनकर लक्ष्मी को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और लक्ष्मी ऋषि को इग्नोर करेगी। और लेकिन लक्ष्मी को ऐसे पीठ पीछे धोखा देने वाले पति ऋषि को छोड़ देना चाहिए क्या नहीं और ऋषि को उसके किए का एहसास होना चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।